वेलकम टू लेटेस्ट टेक। दोस्तों आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ आप सैमसंग J4 के FRP लॉक कैसे बाईपास करेंगे बिना PC के। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वाईफाई कनेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूँ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा आप इसमें FRP लॉक कैसे बाईपास करेंगे वो भी इजी। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जल्द से जल्द बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रॉब्लम सॉल्व होने के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी न्यू अपडेट का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप जब तक पहले वाली जीमेल नहीं डालेंगे तो फ़ोन नेक्स्ट नहीं होगा। तो आपने इस जीमेल को बाईपास कैसे करना है? दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने एक बैग चले जाना है जहाँ पे आपको स्टार्ट दिखा रहा था, वहाँ पे जाने के बाद आपने जो होम की है वो 3 बार प्रेस करनी है, उससे आपका टॉक बैक इनेबल हो जाएगा। आपने टॉक बैक इनेबल करना है, तो यहाँ से मैं होम की 3 बार प्रेस कर रहा हूँ। जब आपका टॉक बैक इनेबल हो जाएगा उसके बाद आपने स्क्रीन पर एल टाइप करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं एल टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा टॉक बैक सेटिंग, आपने टॉक बैक सेटिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे चल जाना। दोस्तों यहाँ पे आपके सिंगल फिंगर काम नहीं करेगी, आपको डबल फिंगर यूज़ करने पड़ेगी, नहीं तो आप होम की 3 बार प्रेस कीजिएगा आपका टॉक बैक डिसेबल हो जाएगा, आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आपको हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे आपको पहले नंबर पर मिलेगा गेट वॉइस हेल्प ऐसा लिख के। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर गेट वॉइस हेल्प पे आपने जो है वो क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आपने इस वीडियो पे क्लिक करना और टॉप में शेयर का बटन मिलेगा, वहाँ पे लिंक शो करेगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे और यूट्यूब ओपन हो जाएगा। दोस्तों जब यूट्यूब ओपन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आपने वीडियो को डाउन नीचे करके जो है वो इसे क्लोज़ कर देना। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज़ करती हूँ, आपको टॉप में दिखेगा प्रोफाइल का लोगो। तो प्रोफाइल का लोगो दिखने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो गूगल क्रोम है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल स्टेप जो भी मांगेगा वो करके ओपन करना। तो दोस्तों जब आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने सबसे पहले APK लॉन्चर डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट से APK लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे APK लॉन्चर सर्च कर दिया है। तो यहाँ से दोस्तों मैं किसी वेबसाइट से देख के डाउनलोड करूँ। दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके रिलेटेड या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट का जल्दी रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जल्दी रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आप जो है वो ईजी FRP लॉक बाईपास कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो APX लॉन्चर है वो डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन में APX लॉन्चर डाउनलोड करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं ऐप बताऊँगा उसे आपने डाउनलोड कहाँ से करना है कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप FRP लॉक बाईपास करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जो APX लॉन्चर है वो मैंने डाउनलोड लगा दिया, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा जब दोस्तों आपका। तो उसके बाद आपने इसे क्या करना है, इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं APX लॉन्चर डाउनलोड हो चुका है, अब मैंने इसे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे अनोन सोर्स अलाउ मांगेगा, क्रोम में आपने इसे अलाउ कर देना। तो उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने APX लॉन्चर जो है वो इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, APX लॉन्चर को ओपन कर देना। तो जब आप APX लॉन्चर को ओपन कर देंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन जो है वो नॉर्मल जो लॉन्चर की मेथड उसमें ओपन हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दूँगा आपको लिंक इसका, trackingpathing.blogspot.com। तो यहाँ पे दोस्तों एक FRP बाईपास की जो है वो एक रिमोट 1 APK की आपको वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको लगा के बता देता हूँ, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले इसे trackingpathing.blogspot.com में, नहीं तो आपको डायरेक्ट पोस्ट का लिंक दे दूँगा, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सर्च करके आपने यहाँ से क्या लोड करना, रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे रिमोट 1 APK।
दोस्तों जब आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ सामने मिल जाएगा, या फिर थोड़ा नीचे आपको रिमोट वन एपीके मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने मेमोरी कार्ड में डाल के फ़ोन में से वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, नहीं तो आप यहाँ से एपीके डाउनलोड कर लीजिएगा और मेमोरी कार्ड में डाल के फ़ोन में आपको लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ेगा आपको, जो भी दिखाएगा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं बार आप गलत कर देते हैं फिर आप बताते हैं कि ये लिंक वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बताएगा आपने लिख के और डाउनलोड दिखाएगा इधर, उस पर क्लिक नहीं करना, आपने नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो लिंक है वो यहाँ पर डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं लिंक इसने दिखा दिया, उसके बाद आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिमोट वन एपीके का लिंक है दोस्तों यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ और भी ओपन होता है तो आपको एक बार बैक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको फिर से बैक करके बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैं फिर से फिल कर देता हूँ, के दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, फिर से आपको कंफर्मेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको दिखाएगा डाउनलोडिंग का लिंक, आपने यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जब डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये ऐप दोस्तों 28 MB की है, यहाँ से मैंने डाउनलोड लगा दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी न्यू अपडेट का। और अगर आप किसी और फ़ोन का लॉक खोलना चाहते हैं, किसी और फ़ोन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन जल्द से जल्द बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई इसमें तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जब डाउनलोड लगा देंगे उसके बाद आपने बैक कर देना यहाँ से। दोस्तों मैं अब आपको बैक करके नेक्स्ट दिखा देता हूँ कि आपको कुछ सेटिंग अपने फ़ोन में सबसे पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है वो आप अपना अकाउंट लॉग इन कर पाएंगे कैसे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीके डाउनलोड हो रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम इसने लिया ज़्यादा, तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट अब आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या सेटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो इस एपीके को इंस्टॉल करना है। दोस्तों यहाँ पे मेरा वाईफाई डिसकनेक्ट हो गया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो फ़ोन था वो वाईफाई ऑफ हो गया, मैं दूसरे हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना, जब तक आपकी वो एपीके रिमोट वन डाउनलोड होती है सेटिंग में जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे चल जाना है सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन में, यहाँ पे मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ और यहाँ पे आप नीचे करेंगे डाउन में और आपको अदर सिक्योरिटी मिलेगा, आपने यहाँ पे अदर सिक्योरिटी पे क्लिक करना और नीचे मिलेगा डिवाइस एडमिन ऐप, तो यहाँ पे जो फाइंड माई फ़ोन होगा इस पर टिक होगा, आपने इससे सबसे पहले यहाँ से टिक हटा देना। तो उसके बाद आपने बैक करना और फ़ोन के ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको टॉप में तीन डॉट लाइन मिलेंगी, वहाँ पे आपने क्लिक करना शो सिस्टम ऐप, शो सिस्टम ऐप करेंगे जब आप तब आपको नीचे चले जाना है। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे अगर गूगल अकाउंट मैनेजर आपको दिख रहा है तो आपने उसे भी ढूंढना है, नहीं तो आपको गूगल प्ले सर्विस ढूंढना पड़ेगा और आपको इसे डिसेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने गूगल प्ले सर्विस डिसेबल कर दिया, क्योंकि गूगल अकाउंट मैनेजर आपको मिलता है तो आपको उससे भी डिसेबल करना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपने फिर से मैंने क्रोम खोल दिया, यहाँ से मैं डाउनलोडिंग जो मैंने ऐप की थी मैं अब उसे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ रिमोट वन। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिमोट वन इंस्टॉल कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताऊँगा जो आपके लिए करने ज़रूरी हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए स्टेप बाई स्टेप जो है वो आप पूरा देखिएगा, और वीडियो को पॉज करके साथ साथ में जो है वो कर सकते हैं स्टेप। तो यहाँ पे एक एक स्टेप आप मेरे साथ करते जाइए तो आप इजी जो है वो FRP लॉक बाईपास कर लेंगे। जो आप मैंने यहाँ पे अभी APK इंस्टॉल कर रहा हूँ इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और मेमोरी कार्ड में डाल के लगा सकते हैं। यहाँ से इसे इंस्टॉल होने के बाद आपने डन कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपने सेटिंग में चले जाना है फिर से,
और सेटिंग में जाने के बाद आपने चले जाना है दोस्तों अंदर में एकदम अकाउंट क्लाउड एंड अकाउंट सेटिंग में, वहाँ पे अकाउंट्स में जाना है और अकाउंट्स में जाने के बाद ऐड अकाउंट करना और यहाँ पे गूगल कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे चेक इन्फो जस्ट चेक करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी अपनी ईमेल लॉगिन करनी है, जो भी आपके पास ईमेल है जिसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता है, जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह पता है वो आपने यहाँ पे लॉगिन करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे जो आपकी जीमेल है वो लॉगिन हो गई और नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि आप उसको क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लॉगिन कर रहा हूँ जीमेल को। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जीमेल लगा दिया और यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया, आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लेगा और यहाँ पे कुछ एरर शो करेगा, आपने इसे इग्नोर कर देना है और फ़ोन को बैक चले जाना है। और बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन आपने जो ऐप जो डिसेबल किया था आपने वो उसे इनेबल करना। तो सबसे पहले आपने दोस्तों यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है सिक्योरिटी में जाना है और अदर सिक्योरिटी में जाना है, डिवाइस एडमिन ऐप खोलना और यहाँ से फाइंड माय फ़ोन जो है वो दिखाएगा, इसे इनेबल कर देना। तो उसके बाद आपने फिर से चले जाना है ऐप्स में जाना है और ऐप्स में जाने का टॉप पे थ्री डॉट लाइन मिलेगा शो सिस्टम ऐप, आपको फिर से टॉप पे थ्री डॉट लाइन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करने के बाद शो डिसेबल ऐप, तो जो आपने गूगल प्ले सर्विस डिसेबल किया था आपने उसे इनेबल कर देना। तो यहाँ से मैंने गूगल प्ले सर्विस इनेबल कर दिया। आपने ध्यान रखना दोस्तों आप अगर गूगल प्ले सर्विस इनेबल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन रीस्टार्ट कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ कि नेक्स्ट एफआरपी लॉक बाई पास हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आप इजी जो है वो स्टेप बाय स्टेप एफआरपी लॉक बाईपास कर लेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस फ़ोन के रिलेटेड या किसी भी और फ़ोन के रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ, आपको भी दोस्तों जल्दी रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों मेरी न्यू अपडेट का। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ एफआरपी लॉक हार्ड रीसेट की और उसके बाद सॉफ्टवेयर क्रैक वगैरह की वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको मेरे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो रीबूट ओके आ चुका है। तो दोस्तों एक बात और बता दूँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो बिना लाइक के वीडियो को नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ फ़ोन में एफआरपी लॉक जो है वो बाईपास हुआ या नहीं, अकाउंट ऐड हुआ या नहीं, जो अकाउंट हमने ऐड किया वो ऐड हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर नेक्स्ट वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ पर ऑल और यहाँ से चेक इनफो पे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने दिखा दिया अकाउंट एडिट, यहाँ पे हम फिर से बैक करके देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट एडिट। दोस्तों आप देख सकते हैं जो फ़ोन में एफआरपी लॉक था वो हमने इजी बाईपास कर दिया, जो हमने अकाउंट था यहाँ पर ऐड हो चुका। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट भी हो चुका है फ़ोन और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे स्क्रीन लॉक मांग रहा है, अगर सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया दोस्तों यहाँ पे स्किप। और यहाँ पे आप सेटिंग जो भी है वो कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अगर आप कोई हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब आपका फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा उसके बाद आपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपने एक बार अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कंप्लीट करना है। आपको अपने फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपने रिस्टोर में जाना होगा, इरेज ऑल में जाना है और आपने जो है वो अपना फ़ोन रीसेट करना है एक बार। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने फ़ोन अपना रीसेट करना है अगर आप चाहते हैं फ़ोन में कोई डाउनलोडिंग एक्स्ट्रा वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको फ़ोन एक बार जो है वो अपना सेटिंग में जाके अपना फ़ोन आपको रीसेट करना पड़ेगा। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स for watching.